डियर स्टूडेंट्स, ऑन इज ब्लाइंडनेस की अंतिम तीन पंक्तियों का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इन अंतिम तीन पंक्तियों में कवि अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है ईश्वर को और कहता है कि चाहे किन करावे सो, जो वह चाहता है वही होता है। यानी हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ, कुछ भी अपने हाथ में नहीं है, और जब कुछ भी नहीं है अपने हाथ में तो फिर किस बात की चिंता, पूर्ण रूप से तुम्हें छाण गति दूसर नहीं, जैसे आप रखते हो वैसे मैं रहूँगा। और देखिए किस प्रकार से ईश्वर की सर्व शक्तिमत्ता को स्वीकार करता है कवि इन पंक्तियों में। कहता है हिज स्टेट, हिज मीन उसका यानी ईश्वर का, स्टेट स्टेट मीन्स पोजिशन, दशा स्थिति कैसी है, किंगली, किंगली मीन्स लाइक अ किंग, जस्ट लाइक अ किंग। हिज पोजिशन इज रॉयल, किंगली मीन्स रॉयल, उसकी स्थिति जो है एक राजशाही है, राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, थाउजेंड एक दो नहीं, दस बीस नहीं, पचास नहीं, हजारों हजारों एट हिज बिडिंग, बिडिंग मीन्स ऑर्डर, एट इज कमांड, उसके आदेश पर हजारों हजारों देवदूत क्या हो जाते हैं, स्पीड, स्पीड मीन्स रन फास्ट, बहुत तेज गति से गतिशील हो जाते हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं टू फॉलो इस कमांड एक छोटे से आदेश मिलने पर। और ये हजारों हजारों देवदूत जो है एंड पोस्ट ओवर, पोस्ट दे आर अपॉइंटेड, वो नियुक्त हैं, उनकी नियुक्ति की गई है, दे आर फिक्स्ड, वो पोस्टेड हैं। कहाँ पोस्टेड हैं, ओवर लैंड एंड ओशन, लैंड में जमीन पर, एंड ओशन महासागर में, सी में समुद्र में, महासागर में, और थल पर, जल और थल हर जगह, माने एवरीवेयर हजारों हजारों देवदूत हैं जो कि हर जगह जीवन, हर जगह कणकण में, हर जगह व्याप्त है ईश्वर के देवदूत, और टहलते रहते हैं बराबर उसके आदेश का अनुसरण करने के लिए, वे बराबर तत्पर रहते हैं। और कैसे, विदाउट रेस्ट, बिना आराम के हर समय गतिशील रहते हैं, हर समय ऊर्जावान रहते हैं उसके देवदूत। तो कभी कहता है फिर हमारी आपकी, इसके पास हजारों हजारों देवदूत हैं, अगर एक दो मुझ जैसे लोग अगर कुछ नहीं करते तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ही इज किंग ऑफ किंग्स, मास्टर ऑफ मास्टर्स, मालिकों का मालिक है, राजाओं का राजा है, तमाम देवदूत हैं, देयर आर मेनी एंजल्स टू फॉलो हिज कमांड, बहुत से देवदूत हैं, क्या फर्क पड़ता है, मैं एक तो अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहा हूं तो नहीं कर पा रहा हूं, फिर क्या करना चाहिए। दे कभी कहता है कि वे माने वे लोग जो, दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, आल्सो मीन्स भी, सर्व मीन्स सेवा करना, दे आल्सो सर्व, कौन लोग सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल स्टैंड खड़े रहते हैं, एंड वेट और प्रतीक्षा करते हैं, स्टैंड एंड वेट, ये फिलॉसफी बन गई, मिल्टन की फिलॉसफी है स्टैंड एंड वेट, किस बात का, चुपचाप मौन रह करके जाहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए, इस विचार से हानि लाभ को सहते हुए जीवन में केवल मौन हो करके ईश्वर द्वारा दिए हुए दुखों सुखों कष्टों समस्याओं जिम्मेदारियों का चुपचाप निर्वहन करना ही ईश्वर की सेवा है कवि के अनुसार। तो दे आल्सो सर्व हिम बेस्ट, दे आल्सो सर्व होली स्टैंड एंड वेट, तो स्टैंड और वेट, स्टैंड एंड वेट प्लस भी, चुपचाप मौन होकर के वेट करते हैं, किस चीज़ का इंतजार करते हैं कि अच्छे दिनों का, द गुड डे इज कमिंग इन फ्यूचर, आने वाले अच्छे दिनों का इंतजार करते हैं, वे भी ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक हैं, दे आर द बेस्ट डिवोटी ऑफ गॉड, वे ईश्वर के सबसे अच्छे भक्त हैं।
जो कि चुपचाप मौन होकर के उचित समय का आने वाले अच्छे दिनों का इंतजार करते हैं जीवन में, वे ईश्वर के भक्त हैं। तो ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा, फिर से देख लीजिए। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी दशा ईश्वर की दशा राजा जैसी है। थाउजेंड टैट्स इज बीटिंग स्पीड, हजारों हजारों देवदूत उसके आदेश पर गतिशील हो जाते हैं, और वे हजारों हजारों देवदूत कहाँ हैं, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, जल में, थल में, महासागर में, पृथ्वी पर नियुक्त हैं। वे गतिशील रहते हैं बराबर, और कैसे गतिशील रहते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हर समय गतिशील रहते हैं, बराबर एक्टिव रहते हैं, 24 घंटे जो है तत्पर रहते हैं उसकी सेवा करने के लिए। तो अगर हम आप जैसे एक आज सेवा नहीं करते हैं, परिस्थितियों के वशीभूत होकर के सेवा नहीं करते हैं, तो उससे कोई प्रभाव ईश्वर के ऊपर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वह राजा है, उसकी स्थिति राजा जैसी है। दे आल्सो सर्व, कवि अंत में स्वीकार करता है कि वे भी सच्चे सेवक हैं, वो स्टैंड एंड वेट, जो चुपचाप मौन होकर के ईश्वर द्वारा दिए गई समस्याओं को, दुखों को, तकलीफों को, जिम्मेदारियों को सह लेते हैं और अच्छे आने वाले अच्छे दिनों का इंतजार करते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात आती है बेटा, बच्चों कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, तो आप लिख सकते हैं इन दिस स्टेंजा द पोएट एक्सप्रेसेस द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, ईश्वर की महत्ता को इसमें व्यक्त करता है। और क्या, द पोएट एक्सप्रेसेस द ग्रेटनेस ऑफ गॉड एंड हिज फर्म फेथ इन गॉड, ईश्वर में अटूट विश्वास को। एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट द पोजिशन ऑफ गॉड इज लाइक ए किंग, द पोजिशन ऑफ गॉड इज लाइक ए किंग, ही इज द मास्टर ऑफ मास्टर्स एंड द किंग ऑफ किंग्स, देर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स हु आर ऑलवेज रेडी टू फॉलो हिज कमांड, दे हैव मार्वेलस स्पीड, they can run very fast on the land and ocean both. So the poet says that a complete submission, purna samarpan, puri tarah se surrender kar dena, complete surrender, the poet says that a complete submission to the will of God is the best service. Kis roop mein, jahi vidhi rakhe raha hu tahi vidhi। और लास्ट में अकॉर्डिंग टू द पोएट, दे आर द बेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड हु ओनली स्टैंड एंड वेट फॉर द गुड डेज इन फ्यूचर। रहीमदास के अनुसार, रहीमदास जी ऐसा कहते हैं कि रही मन चुप हुए बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। तो गुड डेज इन फ्यूचर के इंतजार में, जो चुपचाप ईश्वर द्वारा दिए हुए समस्याओं को, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, वे ईश्वर के सबसे अच्छे उपासक हैं, सबसे अच्छे भक्त हैं। और इसी के साथ ये पोएम आने की ब्लैंड समाप्त होती है। आशा करते हैं गाइस कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू।